अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे पेशावर। मुशीर इत्तला'आत खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। खान साहब के जर सदारत जो कल फैसले हुए वो हमने सुबह टास्क फोर्स के सामने उसको डिस्कस किया और अभी कैबिनेट के सामने पेश किए और कैबिनेट में उसके ऊपर बाकायदा डिस्कशन हुई और उन फैसलों को अप्रूव किया गया है जो मैं फिर आपके सामने रखता हूँ। इसमें एक तो ये कि आज वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने ये फैसला किया है कि उनके जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं या जो भी उनके किराएदार है उनके लिए दो महीने की जो किराया है वो उनके जो ज़ाती प्रॉपर्टी है उन्होंने उसमें किराया न लेने की उन्होंने फैसला कर लिया। और इस तरीके से उन्होंने आज कैबिनेट में भी अपने तमाम मिनिस्टर्स एडवाइज़र्स स्पेशल असिस्टेंट्स और सेक्रेटरी साहबान को भी कहा कि इस वक्त चूँकि मुल्क और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में एक मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल की घड़ी में जितने भी हमारे हम सबको इसमें पहल करनी चाहिए और हमें अपनी आवाम के साथ जो इस वक्त उनकी जो मजबूरियां हैं जो हमारे ताजर बरादरी के हैं जो छोटे हमारे दुकानदार हैं इस वक्त तो वो जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं तो सबको ये कहा गया है कि अपनी अपनी तरफ से जो भी है वो जो उनसे हो सके वो करें। इस हवाले से आज जो फैसले हुए हैं मैं पहले उन फैसलों का जिक्र करूंगा जो जिनमें नरमी की गई है फिर उसके बाद जिनमें तोसी की गई है वो आपके सामने रखूंगा। इस्तिस्ना मैं इससे पहले ये भी ज़रूरी समझता हूं कि हम इस वक्त तो दो जंग लड़ रहे हैं, एक कोरोना वायरस वबा के ख़िलाफ़ अपनी आवाम के तहफ़ की जंग लड़ रहे हैं और उसके साथ दूसरी जंग हमारी है गुरबत और अफलास। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विज़न के मुताबिक हमारे वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ख़ुद चीज़ों को मोनिटर कर रहे हैं, ख़ुद ग्राउंड पे हैं और ख़ुद फैसले कर रहे हैं और उन फैसलों की जो भी फैसले अभी तक हमने किए हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। और हमारा इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जिसके ऊपर मुकम्मल तौर पर वर्ल्ड फुटिंग पे काम हो रहा है वो ये है कि अपने आवाम को कोरोना वायरस से तहफ़ दे। वहाँ पे ये जितने भी स्टेप्स हुकूमत ने अभी तक भी हमने लिए हैं सिर्फ और सिर्फ इस एक मकसद के लिए कि ये जो कोरोना वायरस की वबा है जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है इसमें हम अपने आवाम को महफूज रख सके। तो ये जितने फैसले हमने आज किए हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो फैसले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के क़यादत में हुए हैं उसमें आज जो हमने नरमी कर दी और उस हवाले से सबसे पहले जो इस्तिस्ना के तहत तमाम रक्षा प्राइवेट गाड़ियां और मजदूरों को ले जाने वाली गाड़ियों पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई। सूबाई काबीना ने एहसास प्रोग्राम के तहत नकद रकूम की अदायगी पर सूबाई हुकूमत की जानब से जो 15% टैक्स था उसको ख़त्म कर दिया गया है चूँकि फेडरल हुकूमत ऑलरेडी उसमें छूट दे चुकी है जो रिटेलर शॉप्स के हवाले से हैं। इस तरीके से स्टोर सप्लाई और डीलर्स रेत इंट्स फाइबर ग्लास शॉप्स फाइबर ग्लास ग्लास के शॉप्स बिल्डिंग सेफ्टी आलात स्टील लकड़ी टाइल्स वाटर सप्लाई मटेरियल सीमेंट पाइप हार्डवेयर की दुकानें ड्रिलिंग ट्यूबवेल के सामान वालों वाली दुकानें पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। सरमाया और स्टील के दुकानों पर भी पाबंदी जो है इसमें जो डीपू टेम्बर डीपू आरा मशीन और इस तरीके से इनों पे भी पाबंदी नहीं होगी, इस पे जो पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी गई। पाइप मोटर शॉप्स भी खुली रहेंगी, आम इलेक्ट्रिकल दुकानों पर भी पाबंदी का इतलाक नहीं होगा।
माइन और मिनरल सेक्टर पर भी पाबंदी खत्म कर दी गई है और इस तरीके से सरिया और स्टील के दुकानों पर भी पाबंदी नहीं होगी। ये है वो जो जो हमने जिसमें नरमी की गई। दूसरा जो है जिसको हम ने तोसी दी है आज कैबिनेट ने, उसमें अमूमी जो लॉकडाउन है उसमें तोसी कर दी गई है। माशी और माशरती तकालीफ देखते हुए जो हमने जो ये जो इसमें है वो जो नरमी के है वो मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से तालीमी इदारों में भी जो पाबंद बंद रहेंगे उसमें भी तोसी कर दी गई है। तमाम सरकारी निजी तकरीबात पर पाबंदी रहेगी। तमाम जो जो स्पोर्ट्स इवेंट्स पर भी पाबंदी होगी। बिनुल अजला ट्रांसपोर्ट पर भी जो पाबंदी है उसमें भी तोसी कर दी गई है। अजला के अंदर ट्रांसपोर्ट कुछ ज़रूरी शना के साथ ये भी आगे बंद रहेंगे। ये जो है ये कुछ फैसले हैं जो आज हमने किए हैं। इसके बकायदा अभी नोटिफिकेशन हो जाएंगे और वो मीडिया के ज़रिए आ जाएंगे, उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। मेन मकसद ये जो हमने फैसले किए हैं इस वक्त जो हमने रिलीफ दिया है वो उसका भी हम हमारी ये कोशिश है कि उस रिलीफ की भी जो हमारी हुकूमत जो हमारे डिपार्टमेंट से वो SOP बनाएगी उस SOP के तहत। और इसमें हमारी कोशिश है कि जैसे जैसे हालात अच्छे की तरफ जाएंगे उसी उसी तरीके से हम दिनों के हिसाब से फैसले अब नहीं कर रहे हैं, हम घंटों के हिसाब से फैसले कर रहे हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यह है वज़ीर आला महमूद खान साहब की कि किसी तरीके से हो कि हमने वबा से भी अपनी आवाम को तहफ़ देना है और साथ ये कि जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है और जो इस वक्त की जो सूरत हाल है उसको हम जो है ना वो उस पर वो कर लें। इस तरीके से कि मैंने एक वजाहत करना चाहता हूँ, मुझे भी ये पता चला है कि कुछ TV चैनल पे चल रहे हैं वज़ीर आला प्रॉपर्टी है, मैं बता रहा हूँ जाती प्रॉपर्टी जो है जो स्वात में है जिसमें उसके दुकानें हैं उनके ऊपर जो उन्होंने जो जो किराया उनको मिलता है उसमें उन्होंने जाती तौर पर यह फैसला किया कि 2 माह के लिए वो किराया नहीं ले। पेशावर जो कैपिटल है हमारा इसमें रेशो ज़्यादा आ रहा है, जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें इसमें बढ़ रहा है। तो इसमें एक तो यह है कि पेशावर कैपिटल है हमारा और फिर इस तरीके से मर्दान में पहले ऊपर गया था लेकिन मंगा के केस के बाद वो नीचे जा रहा है। बुनेर और अपर दीर में वहाँ से भी रिपोर्टें इस तरह आ रही है कि वहाँ पे अच्छे ऊपर जा रहा है। तो जो जो टेस्ट जो हमारे पास आ रहे हैं उसके मुताबिक तो पेशावर के हवाले से मेरी अगेन एक रिक्वेस्ट होगी, आवाम से भी एक अपील है कि इस वक्त हमने गैर ज़रूरी जो जो वो है वो ख़त्म करने हैं और इस वक्त सोशल डिस्टेंस जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही है पेशावर के हवाले से और ये जितने भी हमने फैसले किए हैं या जो हम फैसले कर रहे हैं उसकी वजह मेन जो है वो ये है कि हमने हर सूरत में कोरोना वायरस को शिकस्त देना है और इसमें पेशावर और जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं उसमें एहतियात और सोशल डिस्टेंस के हवाले से जो है उसमें भी फौरी तौर पर हमें जो है जो हुकूमत ने SOPs तय किए हुए उसके ऊपर भी वो किया जाए, अमल दरामद किया जाए। इस तरीके से हम जो है इस पर वो करेंगे, इस पर काबू पाएंगे। दूसरा, काबीना ने एक ताजर बरादरी जो हमारी है उसके साथ बातचीत के लिए एक कमेटी सूबाई काबीना ने वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने बनाई है जिसमें तैमूर झगड़ा साहब है, सुल्तान ख़ान है जो हमारे वज़ीर कानून है, शौकत यूसुफ़ज़ई
अब्दुल करीम खान और शाह मोहम्मद खान और इंफॉर्मेशन मैं भी हूं उस कमेटी में, ये हम जो हमारे ताजिर बरादरी है उनके साथ हम बैठेंगे, उनके साथ हम इस हवाले से बातचीत करेंगे, SOPs के हवाले से भी बातचीत करेंगे और आगे ट्रांसपोर्टर हमारे भाई हैं, जितने भी मौकाते बेफिक्र के लोग हैं इस वक्त, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हमारी माएँ बहनें हों, चाहे वो हमारी सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे हमारे उलमाए कराम हों, चाहे हमारे सियासी जमातों के अकाबरीन, सबसे एक दरख्वास्त है कि इस वक्त हमें जो कोरोना वायरस के हवाले से जो ग्लोबली ये प्रूफ हो चुका है वो सोशल डिस्टेंस, उसके ऊपर हम सब ने मिलकर अमल करना है और एहतियाती तदाबीर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त इस कोरोना वायरस की वबा से अपने अवाम को बचाने के लिए, उसके ऊपर हमने अमल करने। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के क्यादत में और उनके विजन के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला महमूद खान साहब की इंस्ट्रक्शन जो कि वो खुद ग्राउंड पे हैं, इंशाअल्लाह ताला हमने सब ने मिलकर कोरोना वायरस को शिकस्त देना है। और मेरी तमाम पाकिस्तान के जितने भी सियासी जुमाते हैं मैं उनसे एक ही दरख्वास्त करता हूं, एक ही अपील करता हूं कि ये जो सियासी इख्तलाफ है इसको क्वारंटाइन कर ले, पहले हम इस वबा को शिकस्त दे, उसके बाद सियासत भी होगी, उसके बाद सारी चीज़ें होगी। लेकिन खुदारा इस वक्त हम सबको जो कि कल मैं खुद को जो प्राइम मिनिस्टर ने कोऑर्डिनेशन नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग की है, मैं पाकिस्तान की तारीख में मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं उनकी लीडरशिप को। ये होता है लीडर के, कल उसमें या उससे पहले जो मीटिंग हुई है उसमें सिंध हुकूमत, सिंध के वजीर आला, बलूचिस्तान के वजीर आला, पंजाब के वजीर आला और जो हमारे इस तरीके से वज़ीर आला महमूद खान साहब खैबर पख्तूनख्वा के, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, सब मिलकर कल जो कंसेंसस हुई है जिसमें फैसले किए गए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में, इसका मिसाल कहीं नहीं मिलता। इस जज्बे के तहत हमने कोरोना वायरस को शिकस्त देना है, इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वज़ीर आला महमूद खान साहब के क्यादत में अपने जो हीरोज़ है डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, जो हमारे हीरोज़ है जिसको हमारे नस्लें याद रखेंगी, जो इस वक्त जो जंग लड़ रहे हैं फ्रंट फुट पे उनके, और फिर हमारे इस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा रेस्क्यू के एहलकार है, हमारी पुलिस है और इसके अलावा जितने डिपार्टमेंट है, मीडिया के मेरे जो भाई हैं, कैमरामैन से बीट रिपोर्टर्स है, फोटोग्राफर्स है, तमाम मकाते बेफिक्र, और फिर जो कोऑर्डिनेशन है हमारी सूबे में, हमारे पाक आर्मी की जो कोऑर्डिनेशन है जिसमें इस वक्त पाक आर्मी के जवान हर मौके पे सूबाई हुकूमत के शाना बशाना कड़ी है, चाहे वो एहसास प्रोग्राम के पैसे जो तकसीम हो रहे उसमें, चाहे वो फ्रंट फुट पे कोरोना वायरस की जो जंग हम लड़ रहे हैं उसमें वो हमारे साथ दे रहे हैं। तो इस वक्त आखिर में तमाम अपने वज़ीर आला महमूद खान साहब की तरफ से और अपनी सूबाई हुकूमत की तरफ से, सूबाई काबीना तरफ से मैं सलाम पेश करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के गयूर आवाम को कि जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में, चाहे वो जिस मकाते बेफिक्र से हो, चाहे वो ताजर हो, चाहे वो जिस भी फील्ड से उसका ताल्लुक हो, जिस तरीके से वो इस वक्त अपनी हुकूमत का साथ दे रही है, इंशाअल्लाह ताला हमने अपनी आवाम के लिए वो स्टेप्स उठाने हैं इंशाअल्लाह ताला की उसमें उनकी तहफ़ आवाम की और उनकी जो रिलीफ के लिए जो स्टेप्स हमने अभी उठाए, जब हम इंशाअल्लाह ताला इस कोरोना वायरस के हवाले से जो फैसले किए गए इसकी जो 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 शिकस्त इंशाअल्लाह ताला हम देंगे, इंशाअल्लाह ताला उसका रिलीफ और उसके लिए हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जितने वसाइल है वो हमारे आवाम पे कुर्बान है। थैंक यू वेरी मच।
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر میڈیا کو بریف کر رہے تھے اور کورونا سے متعلق جو اقدامات کیے گئے ہیں صوبے میں اس سے متعلق آگاہ کر رہے تھے۔